नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे। आप सभी को ईद की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, कोविड के केसेस दोबारा बढ़ने लग गए हैं, तो कृपया सामाजिक दूरी बनाए रखें। आज हम बात करने वाले हैं भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरे और आखिरी T20 के बारे में, जो कि 10 जुलाई को भारत समय अनुसार 7 बजे ट्रेंट ब्रिज नॉटिंगम में खेला गया। इंग्लैंड ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला लिया। इंग्लैंड ने अपनी टीम में कुछ बदलाव किए हैं, जैसे रीस टोपले और फिल सॉल्ट खेल रहे हैं मैथ्यू पार्किंसन और सैम करन की जगह। और दूसरी तरफ भारत ने अपनी टीम में 4 चेंजेस किए हैं, रवि बिश्नोई, अवेश खान, उमरान मलिक और श्रेयस अय्यर। टीम में आए हैं भुवनेश्वर कुमार, जसप्रीत बुमराह, चहल और हार्दिक पांड्या की जगह। भारत के प्लेइंग 11 कुछ इस प्रकार हैं: रोहित शर्मा एज अ कैप्टन, ऋषभ पंत विकेट कीपर, विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव, श्रेयस अय्यर, दिनेश कार्तिक, रविंद्र जडेजा, हर्षल पटेल, अवेश खान, उमरान मलिक, रवि बिश्नोई। इंग्लैंड के प्लेइंग 11 कुछ इस प्रकार हैं: जेसन रॉय, जोस बटलर विकेट कीपर एंड कैप्टन, डेविड मलान, फिलिप सॉल्ट, लियाम लिविंगस्टोन, हैरी ब्रुक, मोइन अली, डेविड वीली, क्रिस जॉर्डन, रीस टोपली, रिचर्ड ग्लेसन। दूसरे ओवर लेकर आए उमरान मलिक, जिसका स्वागत इंग्लैंड के कप्तान जोस बटलर ने चौके के साथ किया। हालांकि उमरान मलिक के दूसरे ओवर में 2 चौके और 1 छक्के की मदद से कुल 17 रन बटोरे। बटलर 14 रन और रॉय 3 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद। 2 ओवर के बाद इंग्लैंड 19-0। चौथा ओवर लेकर आए आवेश खान ने जोस बटलर को बोल्ड कर इंग्लैंड को पहला झटका दिया। ओवर की चौथी गेंद बटलर के बैट का अंदरूनी किनारा लेकर विकेट पर जा लगी। बटलर ने बनाए 18 रन 31 पर इंग्लैंड का पहला विकेट गिरा। पहले 6 ओवर का खेल इंग्लैंड के नाम रहा। जोस बटलर का विकेट खोकर मेज़बान टीम ने बोर्ड पर 52 रन लगा दिए। रॉय 23 और मलान 7 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद हैं। 8वां ओवर लेकर आए उमरान मलिक ने पहली ही गेंद पर जेसन रॉय को आउट कर भारत को दूसरी सफलता दिलाई है। बाहर जाती गेंद को छेड़ने के प्रयास में गेंद रॉय के बैट का बाहरी किनारा लेकर पंत के दस्तानों में गई। अब सॉल्ट बल्लेबाजी करने आए हैं। धीमी यॉर्कर पर हर्षल पटेल ने सॉल्ट को फंसाया और क्लीन बोल्ड कर पवेलियन का रास्ता दिखाया। सॉल्ट ने बनाए 8 रन। अब बल्लेबाजी करने आए हैं लियम लिविंगस्टोन। रविंद्र जडेजा के 12वें ओवर से इंग्लैंड ने 13 रन बटोरे। जडेजा 3 ओवर के कोटे में अभी तक 35 रन खर्च कर चुके हैं। क्रीज पर मलान के साथ लिविंगस्टोन मौजूद हैं। 4थे ओवर के लिए मलान और लिविंगस्टोन के बीच 28 गेंदों पर 58 रन की साझेदारी हो गई है। मलान 70 और लिविंगस्टोन 13 रन बनाकर क्रीज पर हैं। आवेश खान ने 14वें ओवर से खर्च किए 17 रन। पिछले 3 ओवर टीम इंडिया के लिए महंगे रहे हैं। मलान 77 और लिविंगस्टोन 14 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद हैं। 7 से 15 ओवर में भारत ने कुल 100 रन लुटाए। आखिरी 5 ओवर में अब मेज़बानों की नज़र 200 का आंकड़ा पार करने पर होगी। 84 रनों की साझेदारी को रवि बिश्नोई ने तोड़ा है। मलान बड़ा शॉट मारने के प्रयास में गेंद को हवा में मार बैठे और पंत ने आसान सा कैच पकड़ उन्हें 77 के निजी स्कोर पर पवेलियन का रास्ता दिखाया। 18वें ओवर से आवेश खान ने 21 रन खर्च कर इंग्लैंड को 200 के करीब पहुंचा दिया है। इस ओवर में ब्रुक ने 2 चौके लगाए, वहीं लिविंगस्टोन ने 1 छक्का जड़ा। उमरान मलिक के आखिर ओवर से आए 17 रन। इस ओवर में जॉर्डन ने 1 चौका और 1 छक्का भी लगाया, मगर आखिरी गेंद पर वे रन आउट हो गए। इंग्लैंड ने 20 ओवर में 7 विकेट के नुकसान पर 215 रन बनाए। लिविंगस्टोन ने नाबाद 42 रनों की पारी खेली, वहीं मलान ने 77 रन बनाए। भारतीय विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत इस बार ओपनिंग में फेल हो गए, वह मात्र 1 रन बनाकर आउट हो गए। भारत ने दूसरे ही ओवर में अपना पहला विकेट गंवा दिया है। 216 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरे भारत की शुरुआत खराब रही।
ऋषभ पंत 1 और विराट कोहली 11 पवेलियन लौट चुके हैं। इस समय कप्तान रोहित शर्मा और सूर्य कुमार यादव क्रीज पर मौजूद हैं। 3 ओवर के बाद टीम का स्कोर 2 विकेट पर 14 रन है। भारत ने 7.1 ओवर में 50 का आंकड़ा छू लिया है। 13वां ओवर लेकर आए लियाम लिविंगस्टोन का स्वागत सूर्य कुमार ने छक्के के साथ किया। इसी के साथ टीम इंडिया का स्कोर 100 पर पहुंच गया। इसी के बाद श्रेयस अय्यर ने तीसरे गेंद पर ओवर का दूसरा छक्का लगाया। ग्लीसन के 14वें ओवर से भारत ने 15 रन बटोरे। सूर्य कुमार यादव 78 और श्रेयस अय्यर 26 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद। आखिरी 36 गेंदों पर टीम इंडिया को 84 रनों की दरकार है। क्रिस जॉर्डन के 15वें ओवर से सूर्य कुमार यादव ने 18 रन बटोरे। सूर्य ने अय्यर के साथ चौथे विकेट के लिए 119 रनों की साझेदारी कर ली है। अय्यर के आउट होने के बाद अब पूरा दबाव सूर्य कुमार यादव पर है। टोपले के ओवर की आखिरी गेंद पर चौका लगाकर सूर्य कुमार यादव 97 यानी कि 97 रन के निजी स्कोर पर पहुंच गए हैं। अब 24 गेंदों पर टीम इंडिया को 61 रनों की दरकार है। सूर्य कुमार यादव T20 में शतक लगाने वाले 5वें बेहतरीन बल्लेबाज बन गए हैं। उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे T20 में केवल 48 गेंदों पर शतक ठोक दिया। चौथे नंबर पर शतक लगाने वाले KL राहुल के बाद दूसरे बेहतरीन बल्लेबाज बन गए हैं। सूर्य कुमार यादव के पहले इंटरनेशनल शतक के बावजूद भारत को रविवार को इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे और अंतिम T20 मैच में 17 रन से हार का सामना करना पड़ा। इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए निराधर 20 ओवरों में 7 विकेट पर 215 रन का स्कोर बनाया। इसके जवाब में भारतीय टीम पूरे ओवर खेलने के बाद 9 विकेट पर 198 ही रन बना पाई। हालांकि भारत पहले ही शुरुआती दोनों मैच जीतकर सीरीज अपने नाम कर चुकी है। इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। क्रिकेट जगत से जुड़ी खबरें जानने के लिए ट्यून इन टू 99 रन्स। शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।